क्या आप लोग जानते हो कि जापान क्या है? मतलब देश तो है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाकी दुनिया से किस तरह अलग है और इसके अंदर क्या क्या अच्छी खूबियाँ हैं? आज मैं आपको जापान के 7 अच्छे एग्जांपल दूंगा जो दुनिया को जापान से अलग दिखाते हैं, मतलब अलग बताते हैं। तो आगे बने रहना मेरे साथ। नंबर 1, जो लोग ब्लाइंड होते हैं मतलब अंधे होते हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक कैन पहचानने के लिए एक काम किया है। अब वो ये है कि कैन के ऊपर जिस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर उसका नाम को उसके ऊपर ही डिज़ाइन करवा दिया गया, मतलब जो अंधा होएगा उसे छू के पता लगा लेगा। जब वो छूएगा जैसे कोका कोला वैसे CO ऐसे करके पता लगा लेगा कि ये कौन से ब्रांड की है। इसकी वजह से अंधों को काफ़ी आसानी होती है ढूंढने में। नंबर 2, सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज। गौर से देखो इस फोटो को, इसमें टॉयलेट के ऊपर ही वॉशबेसिन बना दिया गया है और इसके घर को मतलब इस टॉयलेट को घर की कोई सी भी लाइन से नहीं जोड़ा गया है। ये उसके अंदर फ्रेश वाले पानी से ही हैंड टू हैंड हाथ धो ले। वैसे फ़ायदे के अलावा ये देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है ना। और एक बात आपने नोट की होगी, जैसे जो हाथ धोएगा इसमें वही पानी फ्लशिंग पानी बन जाएगा, मतलब एक ही पानी से दो दो फायदे। इसकी वजह से नेचुरल रिसोर्स यानी कि वाटर काफ़ी कम हो रहा है वेस्ट। नंबर थ्री, कंसिडरेशन फॉर अदर्स। अब जैसे शॉपिंग करते वक्त कोई भी व्यक्ति अगर अपना बैग वहीं भूल जाता है तो कोई भी उसको एक पेड़ के सारे लगा के रख के चला जाएगा और इसको कोई चोरी भी नहीं करेगा और फ़ायदा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं एक बार और फिर से नंबर 3 वाला पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे कोई व्यक्ति अपना शॉपिंग बैग भूल गया है तो उसको एक गमले के पास रख दिया जाएगा कोई दूसरा व्यक्ति, ठीक है, और अब उससे होगा क्या, वहाँ पे पूरे 12 गमले ऐसे बनाए गए हैं कि अगर किसी का बैग खो जाए तो वहाँ पे रख दो, तो फिर उसको दार ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी जिससे उसको फ़ायदा हो जाएगा। वो मैं सॉरी गलती से वॉइस ओवर मैंने कम कर दी थी वहाँ पे, लेकिन अब मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है। वैसे ये भी काफ़ी बढ़िया है। नंबर 5, अम्ब्रेला पॉलिसी। अब मान लो कि बारिश हो रही है और कोई भी व्यक्ति अगर उस बिल्डिंग में आएगा तो उसके छाते को बाहर ही रखवा दिया जाएगा लॉकअप में, और सबके छाते को एक अलग अलग लॉकर में रखवा दिया जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे के छाते को चेंज कर देते हैं। वो इसलिए कि मान लो कोई दो व्यक्ति आए हैं जिन पर दोनों पे छाता है, तो एक व्यक्ति वो मदद के तौर पे दूसरों को दे देते हैं जिनका छाता थोड़ा फटा पुराना हो रहा होता है या फिर वो लाए नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि वो हमेशा के नहीं दे देते, वो अगले दिन वापस बुला के उनको वो अम्ब्रेला वापस दे देते हैं। मतलब ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जो कि दुनिया को थोड़ा अलग यूनिक स्टाइल में छाते का पॉलिसी बनाई गई है। नंबर 6, इमरजेंसी प्रोसिक्योर। ये छोटा सा है सुनो, अगर लिफ्ट इमरजेंसी के चलते रुक गई है मतलब लाइट चली गई है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ पे सीट है और वो सीट टॉयलेट की तरह भी यूज़ की जा सकती है। मतलब उसमें सूसू वगैरह कुछ भी कर लो ना, ज़्यादा स्मेल आएगी और इमरजेंसी के बाद काम भी बन जाएगा। नंबर 7, रेस्टोरेंट मेन्यू। अब रेस्टोरेंट मेन्यू में जो उस रेस्टोरेंट का सबसे बेहतरीन खाना होगा उसका एक शोपीस बाहर रखवा दिया जाएगा जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगता है, और ये कहीं भी नहीं होता है सिवाय जापान के। और आखिरी का बताते, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो सुनो आखिरी का, वहाँ के अंडे जो होते हैं वहाँ गली में मशीन में बेचे जाते हैं, मतलब मशीन में हैंड टू हैंड उबाल दिए जाते हैं। वहाँ के उबालने की पावर बहुत ज़्यादा है, 2 मिनट में उबाल दिया जाता है वहाँ पे अंडा और बिल्कुल परफेक्टली। तो यही था कुछ जापान के सम अमेजिंग फैक्ट्स एंड